मैं चाहूं ना चाहूं ये सत्य मैं बदल नहीं पाऊंगा। इसी सत्य को स्वीकार करके आज मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारे भीतर जो कृष्ण के प्रति विशेष प्रेम है, उसी के कारण आज तुमने ये वरदान मांगा है। अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मृत्यु मेरी राधे का अंत उतना ही विशेष होगा। मेरी मृत्यु तुमसे विशेष होगी, किंतु कैसे? तुम्हें जो मांगना था तुमने मांग लिया ना राधा, वरदान प्राप्त हो गया ना, इच्छा पूर्ण हो गई ना। अब मेरी बारी है, अब मैं भी देवी सरस्वती से कुछ अत्यंत विशेष मांगूंगा। बताओ तो क्या मांगोगे? तुमने मुझे बताया था कि तुम क्या मांगने वाली हो? बताया नहीं? अब मेरी बारी है, मैं ही बताऊंगा। वैसे भी प्रेम जो है वो अनुभव करने के लिए होता है ना राधे, बताने के लिए तो नहीं। राधे हे देवी सरस्वती, मैं आपका आवाहन करता हूं, अब मेरी कामना पूर्ण कीजिए। राधा जब जाए तो स्वर्गलोक में सारे देव राधा के स्वागत के लिए वहां आए। राधा जब जाए तो सारा ऐश्वर्य, सारे गोप गोपियां, सारी सखी बरसाना वृंदावन की सारी गैया उसके साथ चली जाए। राधा जब जाए तो उसके पांव के वृंदावन की धूप स्वर्गलोक को धन्य कर जाए। तत्पश्चात स्वर्गलोक के सारे देव पृथ्वी लोक पर राधा रानी का धाम देखने आए। राधा यदि कृष्ण को पीछे छोड़कर आगे चली जाए तो उसके अंतिम श्वास से संसार के हर एक प्राणी में केवल प्रेम भर जाए। और मेरी अंतिम कामना, राधा यदि चाहे तो मेरी बांसुरी अपने संग ले जाए। राधा कृष्ण का प्रेम अनोखा है। कृष्ण, आपने तो राधा की कामना का अर्थ ही बदल दिया, अपना सब कुछ दे दिया आपने राधा को। मैं हूँ अगर काया तो कृष्ण, तुमने अपना सब कुछ दे दिया अपनी राधा को, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। राधा यदि चली गई तो कृष्ण के लिए वैसे भी सब कुछ चला गया। ना कोई सुर रहेगा मेरे जीवन में, ना कोई संगीत, ना कोई रंग, ना कोई सखी, कुछ भी नहीं। कृष्ण का जीवन राधा के बिना नहीं है। राधा के जाने के पश्चात कृष्ण की केवल केवल एक ही इच्छा होगी, शीघ्रातिशीघ्र अपने अंत को प्राप्त करना। हमने जो एक दूसरे के लिए मांगा है राधा, वो सदा हमें एक दूसरे के साथ रखेगा। चाहे मृत्यु आए या जो कुछ भी आए, हम कभी विलग्न नहीं होंगे। श्री कृष्ण, आज मुझे आपकी कामना तो पूर्ण करनी ही होगी। कृष्ण कब किसी से कुछ मांगते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। कहिए श्री कृष्ण, क्या कामना है आपकी?
मैं अपनी राधे के लिए कुछ मांगना चाहता हूं। यदि राधा अपने कृष्ण से पूर्व जाना चाहती है तो जाए, किंतु इस प्रकार जाए जैसा आज तक कभी कोई नहीं गया। राधा अंत तक, अंत के पश्चात अनंत तक कृष्ण की है, और जो भी व्यक्ति कृष्ण को चाहे वो राधा के शरण में जाए। तथास्तु। देखा देवी, कैसे इन दोनों ने मृत्यु को भी आनंद उत्सव बना दिया। यही है इनके प्रेम की शक्ति, राधा और कृष्ण की शक्ति। हाँ महादेव, राधा कृष्ण की बात को बिना बदले इतना सुंदर अर्थ दे दिया। इसी त्याग के कारण राधा कृष्ण का प्रेम अमर होगा।